हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर लगभग 15 क्लासेस ली जिसमें आपने देखा कि 0 to हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी। प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 के अंदर 9th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 के अंदर 10th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 के अंदर 11th स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 के अंदर 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस की हमने। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 के अंदर हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर एसएससी एंड अदर जनरल एग्जाम्स के क्वेश्चंस किए थे एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 बी के अंदर हमने एनडीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हमने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के अंदर 11th, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के अंदर हमने 11th क्लास की और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 के अंदर 12th क्लास की। इसके बाद हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमने लिए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 5 के अंदर हमने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए कंटिन्यू, यानी कि हमने पार्ट 5 के अंदर पार्ट 4 के अंदर जो एसएससी और एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए थे और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 के अंदर हमने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे ओरिजिनल, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट सी, पार्ट 5 सी के अंदर तक हमने 37 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5D जिसके अंदर हम 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनडीए के, जो एनडीए के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, एसएसआर, AA, SSC, CDL एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे आप देखो 38 क्वेश्चन है ये एनडीए के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के sin A + 2 sin 2A + sin 3A = विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन आपके पास है 4 sin 2A cos A/2 या 2 sin A × sin A/2 cos A/2 का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 8 sin A cos A × cos A/2 और इसमें ए में कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड हो सकता है, बी में कह रहा है सेकेंड थर्ड हो सकता है, सी में कह रहा है 1 and 3 हो सकता है, डी में 1, 2 and 3 ओनली। तो ऐसे क्वेश्चंस का तरीका यही है कि सबसे पहले आप देखो sin 3A sin 2 sin 2, तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हो sin C + sin D क्या होता है 2 sin C + D/2 में cos C - D/2 और ये 2 sin 2A था, इसको आपने 2 sin 2A ही लिख दिया तो ये आ जाएगा आपका 2 sin 2A × cos A + 2 sin 2A। 2 sin 2A कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपका 1 + cos A। 2 sin 2A 1 + cos A होता है 2 cos A/2। ये टोटल हो जाएगा 4 cos A/2 sin 2A होगा। ऐसा दे रखा है फर्स्ट में। इसी तरह से आप देखोगे कि ये आपके पास है 4 में cos A/2 और into में 2 sin A × cos A। ये आ जाएगा 4 sin A cos A × cos A/2 यानी फर्स्ट और थर्ड राइट है तो ऐसा ऑप्शन सी में था, तो यही जवाब आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है ये कि इफ x = sin 70° sin 50° एंड y = cos 60° cos 80° देन व्हाट इज xy = पहला ऑप्शन है 1/16, दूसरा है 1/8, तीसरा 1/4 और ये 1/2। तो आपसे पूछा गया कि बताओ एक्स वाई क्या है, तो आपने देखा एक्स है sin 50 × sin 70 और वाई आपका है cos 60 × cos 80। तो आपका ये ट्रिकी अप्रोच फॉर्मूला के कोई भी दिया हो 50 है, 70 है, 60 है और ये 80 है तो आप इसमें लगा सकते हो 1/2n। n कितना है, कितने टर्म्स है इसमें, 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स है तो यह आ जाएगा 2n यानी 2/4 तो यह आ जाएगा आपका 1/16। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/16, यही इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनडीए के अंदर टेरा ए साइन थीटा 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 4 है। कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 4। ऑप्शन है 0 1 2 4। तो ट्रिकी अप्रोच कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में आप चेक कर लो कि क्या वैल्यू पुट किया जाए ताकि ये इसको सेटिस्फाई करे। तो आप देखेंगे कि अगर हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कुछ बोला नहीं है कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 डिफरेंट है। तो ट्रिकी अप्रोच कहता है कि अगर आप इसको 90 लेते हैं तो साइन 91 होता है, 1 1 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पता चल गया हमें कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 ऑल आर 90 डिग्री। तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा 1 है कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 कॉस थीटा 4। तो कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90 होता है 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होगा। आपका राइट आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 41 को अगर आप देखोगे 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 है। और कह रहा है कि ऑप्शन दे रखा आपका 1/2 है ए ऑप्शन में, 1/2 प्लस 2√2 1/2 माइनस 1/2√2 और 1/8। तो सॉल्यूशन यही है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो कॉस 3 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। कैसे 2 8 का एलसीएम 8 आएगा, 2 4 जाए 4 पाई माइनस पाई 3 पाई होता है। अब ये cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin 3 पाई बाई 8 लिख दो। cos 5 पाई बाई 8 को लिख सकते हो cos 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है तो यह जाएगा माइनस sin पाई बाई 8। cos 7 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 माइनस में cos पाई बाई 8 यानी cos पाई माइनस पाई, ये कुछ नहीं है पाई माइनस पाई बाई 8, ये आ जाएगा 7 पाई, ये आ जाएगा माइनस का cos पाई। अब सारी की वैल्यू आप पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये आ जाएगा आपका, जिसको लिख सकते हो 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 अपॉन में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन में 4, 2 4 या 8 आ जाएगा साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 यानी 1/4 इंटू साइन पाई बाई 4। 1/4 ऐसी रह गया, साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/8। तो आपका राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 को अगर हम देखें तो x cos थीटा प्लस में y sin थीटा बराबर है z। कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x sin थीटा माइनस y का cos थीटा का होल स्क्वायर। एनडीए 2016 सेकेंड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, x sin थीटा माइनस y का cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। और ये आपसे पूछा गया है x कॉस थीटा y साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा z का स्क्वायर। इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा z स्क्वायर। ये आ जाएगा 2xy साइन थीटा कॉस थीटा z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस y का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा का होल स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 2xy की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा माइनस z का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस में जेड का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन ए में है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 43 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 कॉस इनवर्स 0.8। ये क्वेश्चन में पूछा गया है एनडीए 2018 फोर्थ में, यानी 2018 सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है आपको कितना, डेट इज पहला दे रखा है आपका 0.81, दूसरा है 0.56 0.48 एंड 0.28। अब आप देखोगे cos 2 cos इनवर्स 0.8 है तो cos आ गया cos इनवर्ट 2 इंटू में 0.8 का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्ट x बराबर cos इनवर्ट 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ x की जगह 0.8 है तो cos इनवर्स 2 इंटू में 0.8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू में आ जाएगा cos से cos कट गया 0.8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू में 0.64 माइनस 1, तो 1.28 माइनस 1 0.28 डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44। क्वेश्चन पे बोला गया है साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 81, एनडीए 2016 सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन। तरीका वही है, साइन 81 है तो साइन 81 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस 9। आपको कॉस 9 चाहिए, कॉस 9 के लिए पहले हमने कॉस 18 निकाले, ये कॉस 18 है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो 1 माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन 18 दे रखा है आपको रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस बी का ए का स्क्वायर 5 हो गया प्लस बी का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 16, और ये आ जाएगा आपका, तो ये सॉल्व करोगे तो एलसीएम 16 आएगा, 16 माइनस में आ जाएगा 6 प्लस में आ जाएगा 2 रूट 5 अपॉन में 16, ये आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4, ये आ गया cos 18। अगर आप मान लो थीटा को 9 डिग्री तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यानी cos 18 डिग्री को 2 cos स्क्वायर 9 माइनस 1, तो cos 9 क्या होगा 1 प्लस cos 18 अपॉन में 2 का रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 18 की वैल्यू पता है 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4, और तो ये नीचे आ जाएगा 2, एलसीएम लोगे 4 प्लस रूट के अंदर 10 प्लस 2 रूट 5 नीचे आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करना है तो अभी आप देखो कि ये 8 आ गया, ये पूरा हमारे पास 8 आ गया। अब आप देखोगे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ऊपर में दिया जाएगा 2 4 जाए 2 रूट अंडर दिस अपॉन में 16, 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 रूट आ जाएगा बाहर, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45, क्या कह रहा है इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन 2 डिग्री इंटू कॉस 62 अपॉन 10 152 डिग्री माइनस कॉस 88। ऑप्शन है रूट 3 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस 1, 1 माइनस रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 10 2 डिग्री इंटू 10 28 डिग्री, और ये आ जाएगा माइनस का 10 28 माइनस 10 2 डिग्री, तो 1 माइनस 10 2 डिग्री इंटू 10 28, नीचे माइनस कॉमन ले लो 28 प्लस 10 2, तो अब ये माइनस ऊपर ले जाओगे अगर तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में आ जाएगा 10 30 होता है कितना 1 बाई रूट 3, तो माइनस 1 बाई रूट 3 यानी माइनस रूट 3, बी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2, जबकि आपको क्या दिया है कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी इन विच cos A, cos B, cos C, रूट 3 साइन पाई। ये भी ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, आप देख लो कि ABC एंगल क्या पुट किया जाए कि इसको सेटिस्फाइड कर दे। आपने देखा अगर 60 पुट किया जाता है तो cos 60 cos 60 cos 60 हाफ ऑफ हाफ 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी देखेंगे रूट 3 इंटू साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 रूट 3/2 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एंगल 60 डिग्री है। अब आपसे जो पूछा जाए आप फाइंड कर सकते हो। आपसे पूछा गया है कि a बाई 2 तो cos 60 बाई 2 साइन 60 बाई 2 साइन 60 बाई 2, तो साइन 30 साइन 30 साइन 30 आ जाएगा हाफ ऑफ 1/8 आपका राइट आंसर। इसी क्वेश्चन के अंदर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस ए बाई 2। ऑप्शन क्या दिया है 1/4 1/2 1/16 और 9 ऑफ दिस। तो आप देखोगे जैसे ऊपर आपने देखा एज अबव एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, तो कॉस 60 प्लस 60 बाई 2 आ जाएगा इंटू में कॉस 60 प्लस 60 बाई 2 इंटू कॉस 60 प्लस 60 बाई 2, तो ये आ जाएगा cos 60 cos 60 cos 60 मल्टीप्लाई में हाफ हाफ क्या जाएगा 1/8, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 1/8। इसी तरह देखोगे 48 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है गिवन दैट 10 अल्फा 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो कह रहा है व्हाट इज 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। तो आप जानते हो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बराबर होता है यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो 1 है तो माइनस बी बाई 1 माइनस बी हो गया। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, टी बाई, यानी यहाँ रूट्स क्या है 10 अल्फा 10 बीटा, तो 10 अल्फा × 10 बीटा c/1 c हो जाएगा। तो 10 अल्फा + बीटा का फॉर्मूला है 10 अल्फा + 10 बीटा 1 माइनस में 10 अल्फा × 10 बीटा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का b/1 - c, तो b/ में आ जाएगा c-1, तो b में c-1 का पावर -1, यानी आपका आंसर आ गया d। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सेक अल्फा सेक बीटा इक्वल टू। तो पहला ऑप्शन बी है, दूसरा -b, तीसरा c और चौथा है -c। तो अब आप देखेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू में 1/cos अल्फा × 1/cos बीटा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू 1/cos अल्फा cos बीटा। तो आप इसको डिवाइड करोगे कॉस अल्फा कॉस बीटा से, साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आ जाएगा 10 अल्फा + 10 बीटा, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, -b राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 50, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ए बराबर दे रखा है cos 12 - cos 36 इंटू साइन में दे रखा 98 प्लस में साइन 24 और एंड में ये दे रखा आपका साइन 60, बी दे रखा साइन 60 साइन 12 cos 48 इंटू cos 7 कह रहा फाइंड ई बाई। पहले ए को सीधा कर लो, ए में फॉर्मूला होगी cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी डी 2 डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ये 96 है, यानी ये वाला 96 है, ध्यान रखना 90 जैसा लग रहा है 96 है। तो ये फॉर्मेट ये आ जाएगा। आप इसी तरह से b फाइंड करोगे तो b में आपका b आ जाएगा साइन 60 माइनस साइन 120 cos 48 cos 72, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये ऑप्शन आके कट के आपका आंसर क्या आ गया सी, यही आपका राइट आंसर है। तो अभी तक आपने देखे 50 क्वेश्चन हमने आपको कराए एनडीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट पे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो को देखो, फिर इसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी के भी और एनडीए के भी, इन क्वेश्चन को आप देखो। इससे हट के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले और आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इनको बनाने के बाद आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं ये बनाएंगे आपका APGP HP के अंदर, ताकि आपको 0 से हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें भी मिल सके और हर तरह के जो बच्चे कौन से एग्जाम देने वाले उनको इसका फायदा हो जाए। क्योंकि AP जो हम शुरू करेंगे वो लगभग 9th क्लास AP स्टार्ट है, तो 9 से हम स्टार्ट करेंगे 9, 10, 11, 12 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड NDA के हम देंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और जो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बताएं, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब